हेलो दोस्तों, मैं राहुल। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की दो राजधानी देहरादून और गैरसैंण की। कुछ समय पहले ही उत्तराखंड सरकार के अभी के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी और उत्तराखंड की परमानेंट राजधानी भी चुना है। और उसके बाद ही उत्तराखंड दो राजधानी वाला भारत का पांचवा राज्य बन गया है। इससे पहले इस सूची में महाराष्ट्र, हिमाचल और जम्मू कश्मीर शामिल थे और तीन राजधानी वाला एकमात्र राज्य आंध्र प्रदेश है। आइए जानते हैं अभी वे स्थायी बनी राजधानी गैरसैंण से जुड़े कुछ खास बातें। गैरसैंण नामक स्थान उत्तराखंड के चमोली जिले में है और राज्य के लगभग बीचों बीच भी। गैरसैंण गढ़वाली बोली के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें गैर का गहरा और सैण का मतलब सीधा होता है, जो दर्शाता है कि गैरसैंण जगह गहरे स्थान पर एक सीधा मैदानी इलाका है, जिसको गैरसैंण नाम दिया गया। ब्रिटिश काल में 1949 में इस क्षेत्र को कुमाऊं क्षेत्र से हटाकर गढ़वाल क्षेत्र में जोड़ दिया गया और फिर 1960 में चमोली नाम से एक राज्य का विस्तार हो गया, जिसमें गैरसैंण भी आ गया। 1960 में वीरचंद सिंह गढ़वाली जी की सलाह पर उस समय श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने गैरसैंण को राजधानी के लिए उपयुक्त भी पाया था, लेकिन उत्तर प्रदेश से अलग होने की मांग जो 1990 से चली और तब से 9 नवंबर 2000 तक यह मांग केवल मांग ही रही और सभी चीजों की पूर्ति करने वाले जिले देहरादून को अस्थायी राजधानी बना लिया गया। लेकिन यह मांग तब भी जारी रही और गैरसैंण को राजधानी बनाने हेतु कई लोगों ने आंदोलन व अनशन किए, जिसमें बाबा मोहन उत्तराखंडी ने भी 13 बार अनशन किया, जिसमें उनके आखिरी अनशन में उनकी जान चली गई। यह अनशन 38 दिन तक चला। शायद यही कारण है कि इतने लोगों के बलिदान व मेहनत का फल गैरसैंण के लोगों को 4 मार्च 2020 में मिला और गैरसैंण उत्तराखंड की स्थायी व ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई। अब बात करते हैं उत्तराखंड के देहरादून अस्थायी व शीतकालीन राजधानी की। देहरादून उत्तराखंड राज्य की एकमात्र व अस्थायी राजधानी हुआ करती थी, लेकिन गैरसैंण के बाद केवल शीतकालीन राजधानी रह गई और अस्थायी भी। उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद ही उत्तराखंड राज्य ने देहरादून को राजधानी इसलिए बनाया था क्योंकि देहरादून ही उत्तराखंड का सबसे बड़ा मैदानी शहर है, जहां सबसे ज्यादा स्कूल, कॉलेज, भवन इत्यादि, या सीधे ये कहिए कि देहरादून शहर केवल एकमात्र ऐसा शहर है उत्तराखंड में जो सबसे ज्यादा पर्याप्त है किसी काम को करने के लिए। देहरादून में भारत के सबसे अच्छे स्कूल की सूची में है दून स्कूल, सबसे अच्छी डिफेंस अकेडमी में है दून डिफेंस अकेडमी, और भी कई चीजें इसमें शामिल है। यही नहीं बल्कि देहरादून एकमात्र ऐसा शहर है जिससे आप 1 से 2 घंटे के समय में ऋषिकेश, हरिद्वार, टिहरी, मसूरी, चकराता, कोटद्वार जैसे बड़े बड़े जिले व स्थानों पर कम समय में पहुंच सकते हैं। इतने फायदे होने के बावजूद भी देहरादून 20 सालों से अस्थायी राजधानी था और अब आने वाले समय के लिए भी हो गया है। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, किस स्थान को स्थायी राजधानी बनाना चाहिए था। आई होप इस वीडियो के बाद आपको हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी जो गैरसैंण है और शीतकालीन राजधानी जो देहरादून है, उसके बारे में सही जानकारी मिल पाई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।